بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده मालिक है, पालने वाला है, राजिक है, रिजक देने वाला है,
मौत अता करने वाला है, हयात अता करने वाला है। सारी तारीफें और इबादत भी उसी के लिए है। दुरूद शाफी यौम मशहूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह में पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और तमाम दोस्तों की जुमा की हाज़िरी को शर्फ़ इज़्ज़त अता फरमाए। ये अल्लाह का करम है कि वो हर जुमे अपने घर में हमें बुलाता है। चूँकि जुमा मुसलमानों की ईद का दिन है तो अल्लाह की शान के सदके जाएं कितनी ईदें हमें अदा करता है। उसी रब ने फरमाया कि इत्तकुल्लाह, मेरी जात से डरो। फिर क्या होगा, हम सुन इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी आलम बरज़ख में और आखिरत में मैदान माशर में सफ़र में हजर में बैठने में उठने में हर जगह पे हम सुरखरू हो जाएंगे। कब, जब हमारे दिल में खशियत इलाही आ जाएगी, उस ज़ात का खौफ दिल में आ जाएगा, उस ज़ात का रोब दबदबा और उसकी मौजूदगी हमारा दिल तस्लीम कर लेगा तो हम सुरखरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे गुनाह करना अल्लाह पर पूरी तरह यकीन ना होने के मुतरादिफ है। पूरी तरह यकीन होने के ना यकीन होने के मुतरादिफ है। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास बंदा हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या हजरत मैं गुनाह नहीं छोड़ सकता, गुनाह छूटते नहीं है मुझसे, मैं छोड़ नहीं सकता। तो आपने फरमाया कि तू गुनाह कहाँ करते हो? कहने लगा मैं हर जगह करता हूँ। अल्लाह के नेक बंदे फरमाने लगे कि तू जमीन पर गुनाह करता है या आसमान पर गुनाह करता है? कहने लगा या हजरत मैं जमीन पर गुनाह करता हूँ। फिर बाबा जी थोड़ी देर खामोश हुए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के बंदे, जब तुम्हारा दिल करे गुनाह करने को तो तुम जमीन से बाहर निकल जाया करो, जमीन से बाहर जाकर गुनाह किया करो। वो कहने लगा कि ये तो मुमकिन ही नहीं कि मैं जमीन से निकल जाऊँ, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं जमीन साफ नहीं कर सकता। तो अल्लाह के उस नेक बंदे ने फरमाया कि फिर जिसकी जमीन पर रहते हो उसके गुनाह क्यों करते हो, उसकी बारगाह में गुनाह क्यों करते हो, उसकी बारगाह में गुनाह क्यों पेश करते हो? फिर फरमाया कि अच्छा ऐसा कर कि तू जब गुनाह करता है तो अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क छोड़ दिया कर। कहने लगा फिर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। आपने फरमाया कि अगर रिज़्क भी उसका खाता है जो गुनाहों से रोकता है तो फिर उसका रिज़्क छोड़ दे। कहने लगा कि या हज़रत ये भी नहीं हो सकता। फरमाया कि तू फिजा में जाके गुनाह किया कर। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। तो फरमाया कि अगर कुछ नहीं हो सकता ना तो फिर तू गुनाह छोड़ दे, फिर तू गुनाह छोड़ दे। सोहबते साले तुरा साले गुनद, सोहबते ताले तुरा ताले गुनद। अच्छे बंदे की सोहबत संवार देती। बस वही लम्हा था कि उस अल्लाह के बंदे ने तौबा की कि मैं या हजरत मैं आपके रूबरू उस माल के बरहक की बारगाह में तौबा करता हूँ। तो फिर क्या था, उसकी दुनिया भी बदल गई, उसकी आखरत भी संवर गई। क्यों? कि उसके दिल में खशियत इलाही पैदा हो गई। अल्लाह के वली ने ऐसी निगाह डाली कि उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हो गया। खौफ खुदा पैदा हो गया, इश्क मुस्तफ़ा पैदा हो गया। तो फिर वो अल्लाह का मुकर्रब बन गया। पहले मुसलमान था,
फिर मोमन हुआ, फिर अल्लाह के बने की निगाह पड़ी तो वो फिर अल्लाह का मुकर्रम बन गया और या अल्लाह की साह में उसका शुमार हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूलु मा सादिकीन, अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करो। और ये संगत लजपाल करीम आका ने इरशाद फरमाया कि बंदा जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत करेगा, क़यामत के दिन रोज़े माशर उसका हशर भी उसी के साथ हो। अब कोई शराबी बंदे से मोहब्बत करता है, उसके साथ यराना है, तो क़यामत वाले दिन भी, हालांकि ये शराब नहीं पीता, ये जुआ नहीं खेलता, ये खुदा न खासा गुनाह नहीं करता, सिर्फ उसकी सोबत है, संगत है, मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन तेरा हशर भी उसी के साथ हो, तेरा हसन हशर भी उसी के साथ हो। अगर किसी की दोस्ती डाकू से है, चोर से है, तो जब चोर पकड़ा जाता है तो इसका दोस्त भी पकड़ा जाता है, जब डाकू मारा जाता है तो उसका यार भी मारा जाता है। तो अगर हम संगत ही अल्लाह वालों की इख्तियार कर लें, संगत की अच्छे वालों की इख्तियार कर लें, संगत ही अल्लाह के कुरब वालों की इख्तियार कर लें, तो फिर हम दाता अली हजवेरी से प्यार करें तो हमारा हशर भी दाता अली हजवेरी के साथ। हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजवेरी से वफादारी का बंधन मांग लें तो क़यामत के दिन मैदान हशर में हमारा दामन जिस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हमारे हाथ में दामन होगा, खुदा की कसम मैदान महशर में भी ऐसे, मैदान महशर में भी ऐसा ही होगा। आपने हदीस सुन रखी है कि क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब होने लगेगा, रोजे माशर बर्पा होगा, एक जन्नतियों की लाइन होगी, एक दोजखियों की लाइन होगी, जन्नती बहुत बड़े खूबसूरत होंगे और जहन्नमी स्याह रंग वाले होंगे। उन्होंने फरमाया कि एक बंदा जहन्नमियों की सफ से निकलेगा, एक बुजुर्ग का दामन पकड़ेगा, सलाम पेश करेगा, वो सलाम का जवाब देंगे और ये फरमाएगा कि या हजरत मुझे पहचाना नहीं, बाबा जी कहेंगे कि ऐ अल्लाह के बंदे मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, अर्ज करेगा कि मैंने आपको दुनिया में एक मरतबा वुजू करवाया था, एक मरतबा वुजू करवाया था। वो कहने लगे कि हाँ मुझे याद आ गया है, अब क्या चाहता है, अर्ज करेगा कि मुझे भी आप संगत से नतारा चाहिए, मुझे भी बाजू पकड़े और जन्नत में ले जाइए। और वो बाबा जी उसका दामन पकड़ेंगे, बाजू पकड़ेंगे और अपने साथ जंगल में जन्नत में ले जाएंगे। एक और आएगा, दूसरे बुजुर्ग को कहेगा बाबा जी सलामती हो आप पर, वो जवाब देंगे और अर्ज करेगा या हजरत मुझे पहचाना नहीं, आप कहेंगे कि ऐ अल्लाह के बंदे मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। वो कहेगा कि एक बार तो गर्मी का मौसम था, आप अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, अल्लाह की ज़र्बे दिल पर लगा रहे थे, तो क्या हुआ कि आपको प्यास की शिद्दत महसूस हुई, पानी नहीं था, मुझे पता चला कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, प्यास लगी हुई है, मैं गया और दूध से कटोरा भर के लेके आया, या हजरत मैंने आपको पानी पिलाया था और वो कटोरा आपने नोश फरमा के अल्लाह का शुक्र अदा किया था। बाबा जी मुस्कुराएंगे, कहेंगे कि हाँ हाँ वाकई तूने दुनिया में मेरे पानी पिलाया था, क्या चाहता है, कहेगा कि मैं जन्नत चाहता हूँ। बुजुर्ग हाथ पकड़ेंगे, जन्नत में ले जाएंगे, जिसके साथ दुनिया में वफा की होगी उसी के साथ अशर हो जाएगा। इसलिए ने फरमाया इत्तकुल्लाह, मेरी जात से डरो, संगत नेक लोगों की इख्तियार करो, ये नहीं फरमाया कि मेरी संगत इख्तियार करो। हम अल्लाह की संगत इख्तियार नहीं कर सकते, वो तो जिस्म से पाक है, अल्लाह पाक का जिस्म नहीं है, हाथों से पाक है, आंखों से पाक है, हालांकि समी भी है, बसीर भी है, सुनता भी है, जानता भी है, अलीम भी है, खबीर भी है, वाला भी है, खबर जानने वाला भी है, रहीम भी है, करीम भी है, लेकिन नजर किसी को नहीं आता, उसके हाथ भी नहीं, उसके पैर भी नहीं, वो है तो बंदा मोमिन के दिल में रहता है, पाक दिल में रहता है, और वो समाता दो जहां में नहीं,
लेकिन इतने से दिल में कैसे रहता है वो जाने और बंदा मोमिन जाने। दिल में लटकाई है तस्वीरें यार, जब नजर थोड़ी सी झुकाई तो देख ली। ये अल्लाह वालों की बातें जो अल्लाह वाले ही जाने, क्योंकि उनकी तार, उनका रबत, उनका राबता, उनका वास्ता उस जात से हो जाता है जो सारों का परवरदिगार। सिद्दीक का भी परवरदिगार है, फारूक का भी परवरदिगार है, हजरत उमर का दौर है, ते आपका रोब दबदबा जलाल बड़ी तौ वाली मुछ हजरत उमर फारूक दी, आप दे हाथ दे विच हर वक्त कोड़ा होना सी। जब भी किसी को गुनाह करते देखते ये नहीं कहते कि अदालत फारूकी सुबह लगेगी, तू मेरी अदालत में पेश होना फिर तुझे सजा दी जाएगी। नहीं, जहां गुनाहगार मिला वही सजा। अल्लाह अकबर। तो हुआ यूं कि एक शराबी आ रहा था, उसने अपनी चादर में अपनी बुकल के विच शराब लुकोई हुई है, तो अगों टाकरा हो गया अल्लाह के शेर के नाल, मुसलमाना के शेर के नाल, रोब के नाल ते दबदबे के नाल सैयदना उमर फारूक आ रहे हैं। तो शराबी था, शराब पी के आया था, शराब उसके पास भी मौजूद थी, तो छुपा नहीं जा सकता था। तो दिल ही दिल में डर गया, और डर भी इतना गया कि उसने उसी लम्हे में अल्लाह से राबता कर लिया। अल्लाह की बारगाह में उसने हजरत उमर फारूक को देखते ही देखते, उमर फारूक का देखते उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। कहने लगा कि ऐ अल्लाह, आज मुझे उम्र से बचा ले, ऐ अल्लाह आज मुझे उम्र के गजब से बचा ले, मैं तुझसे वादा करता हूं कि आइंदा शराब नहीं पीऊंगा, आइंदा शराब नहीं पीऊंगा। अच्छा, इतनी सी बात हुई कि हजरत उमर फारूक जब जलाल वाला सहाबी रसूल हमारे बाद हजरत उमर फारूक करीब आ गए, और ये इसके जिस्म में कपकपी शुरू हो गई, कांपना शुरू हो गया, सारा जिस्म कांप रहा है, और हजरत उमर फारूक की आंख ऐसी थी जैसे शहीद शिकार को देखता है, और ये इतना कांपा और अल्लाह से तौबा कर गया था, और तौबा उसकी बारगाह में मंजूर हो चुकी थी। और फिर हजरत उमर फारूक की आंख फरमाया के बता तेरी चादर में क्या है, बता तेरी चादर में क्या है। इधर से दुर्रा भी एक्टिव कर लिया, दुर्रे को भी हरकत देने लगे, और फरमाया खोल अपनी चादर, क्या छुपा के रखा हुआ है। कहने लगा कि या हजरत दूध की बोतल है। एक रवायत में आता है कहता है सिरके की बोतल है। हजरत उमर फारूक ने चादर खोल दे, इतना कहना था कि उसने चादर खोली, कांप रहा है और मुंह से दूध निकल गया। अल्लाह के जलाल की कसम कि जब उसने चादर उठाई, खुदा की कसम वो शराब नहीं, वो दूध बन चुका था। अल्लाह की खशियत, अल्लाह का डर, अल्लाह की जात से डर जाना, इतने वो ऐब और वो पर्दापोशी करता है, इतने ऐबों पे पर्दापोशी करता है कि उसने उसी लम्हे में शराब को दूध में बदल दिया। उसकी लज रह गई। हजरत उमर फारूक ने कहा कि चला जा, तू मेरे सामने से चला जा, क्योंकि वो भी साहबे नजर थे। मेरे लजपाल आका ने फरमाया इत्ता को बि फिरासतिल मुमिन, मोमन की फिरासत से बचो, या जुरू बि नूरिल्लाह, वो अल्लाह दे नूर नाल तकदा है। तो हजरत उमर फारूक जान गए थे के इसके चादर में शराब की बोतल है। उन्होंने कौन सा स्मेल लेनी थी, हमारे जजों की तरह नहीं, फिर फैसले भी मर्जी के,
जहां से चार नोट आ गए फैसले भी अपनी मर्जी के, जहां से गरीब आए उसको रगड़ा दे दिया। नहीं, दीन है तो दीन मुहम्मदी है, अदालत है तो अदालत फलूकी है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर करम नवाजियां फरमाए, हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और हमारे जजों को भी हदायत अता फरमाए। आजकल के जो जस्टिस हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि हमारे मुल्क में अदल का इंसाफ आ जाए, अदल का निज़ाम आ जाए, वगरना ना हमारी हिस्ट्री रहेगी दास्तानों में, ना हमें कोई याद करेगा, हम मिट जाएंगे, मिट जाने की तरह हमारा निशान मिट जाएगा अगर हमने इंसाफ ना किया तो। लेकिन इधर से तो निशान मिटेगा, इधर से निशान नहीं मिट सकता। रब ताला के हबीब मेरे लजपाल ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है, एक इंसान के जिस्म का लोथड़ा है उस पर स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, उसको दिल कहते हैं, और जब बंदा तौबा करता है और कपड़े को जो दाग लग जाए तो पानी धोता है, दिल को दाग लग जाए तो तौबा का पानी धोता है। मेरे लजपाल आका ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान दे दिल एक जड़ा दिल है, जदों गुनाह करता है ओदे उते एक स्याह नुक्ता लग जाता है, स्याह नुक्ता लग जाता है, तो जदों रब ताला दी बारगाह विच तौबा करता है तो वह नुक्ता मिटा दिता जाता है। और जो बंदा लगातार गुनाह करता रहता है, नुक्ते स्याह नुक्ते बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, हत्ता के मेरे लजपाल ने इरशाद फरमाया ओदा दिल स्याह हो जाता है, ओदे रुतबे कम होने शुरू हो जाते हैं, ओदे जड़े दर्जात ने कम होने शुरू हो जाएंगे, ते जे ओ तौबा नहीं करता खुदा ना खासा ओ बंदा जे उस हालत दे विच ओदी मौत आ गई ते ओदा ठिकाना जहन्नम बन जाएगा, जहन्नम दा ईंधन बन जाएगा। इसीलिए फरमाया के इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर जाना बंदा मोमन की निशानी है। और फिर बंदा मोमन हजूम में हो या तन्हाई में हो, रब उसके साथ होता है। और जो बंदा मोमन नहीं होता, नाम में हाथ मुसलमान होता है, वो तन्हाई में कहता है कि यहाँ कोई कौन देख रहा है, यहाँ तो मेरी वालिदा भी नहीं देख रही, यहाँ तो मेरे अब्बा जान भी नहीं देख रहे, भाई बहन अपने कमरों में हैं, मैं तो अकेला हूँ। ऐ दोस्त नहीं, तू अकेला नहीं, तेरे साथ करामन कातबीन भी मौजूद है, अर्श का रब भी तेरे साथ मौजूद है। ये तसव्वुर जब पैदा हो जाए दिल में, ये तसव्वुर पैदा हो जाए कि वो जात जो हमें नजर नहीं आती हर वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो फिर गुनाह नहीं कर सकता बंदा। ये हवा है ना, हवा, हम ऑक्सीजन लेते हैं, किसी को कभी नजर आई है हवा? नजर ही नहीं आती, इधर मौजूद है, पंखा घूमता हुआ नजर आता है, हवा नजर नहीं आती। और ये हवा खत्म हो जाए ना तो हमारी एक लम्हे की जिंदगी भी अजीरन हो जाए। इसी तरह वो बिला तमसील, बिला किसी मिसाल के, वो रब ताला नजर नहीं आता। अब कोई बंदा हवा का इनकार तो नहीं कर सकता कि नहीं जी मैं नहीं मानता हवा है, तो सारे बंदे कहेंगे कि तू ना माना हवा तो मौजूद है। मजोरिटी ये नहीं कह सकती कि यार ये बंदा नहीं मान रहा, लिहाजा मान लो कि हवा नहीं है। नहीं, इसी तरह काफिर जो है वो ऐलान कहते हैं कि अल्लाह मौजूद नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, कुफ्रिया अकीदा है। और मुसलमान कहते हैं कि कौन सा देख रहा है, जुबान से ना भी कहे, इससे यहां से धार ना भी हो, दिल तो इसकी गवाही देता है कि कोई भी नहीं देख रहा। अरे कोई में अल्लाह ताला नहीं है, गिनती में नहीं आता, कोई में हम सारे हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमारे अजीजों अकरबा हैं, हमारे दोस्त हैं, जिसको हम कहते हैं कोई नहीं देख रहा, अल्लाह इनमें नहीं आता, ये करामन कातबीन इनमें नहीं आते, वो लिख रहे हैं जो भी तुम करते हो। आज हमारी वीडियो बन रही है और मैदान माशर में खबरों से उठाए जाएंगे तो वो मामला होगा कि लजपाल आका ने फरमाया कि जब मुर्दे कब्रों से उठाए जाएंगे तो नंगे जिस्म होंगे, कफन नहीं होगा जिस्मों पर, नंगे जिस्म होंगे, औरतें भी नंगी उठाई जाएंगी,
मर्द भी नंगे उठाए जाएंगे, तन बिल्कुल नंगा होगा। तो हमारी अम्मा जान ने फरमाया कि या रसूलल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ या रसूलल्लाह, क्या ऐसा होगा? नजपाल आका ने फरमाया कि बिल्कुल कब्रों से कपड़ों के बगैर इंसान उठाए जाएंगे। तो नजपाल आका हमारी अम्मा जान ने फरमाया, ऐ सरताज, ऐ हबीबे किरदिगार, तो फिर हमें एक दूसरे से हया नहीं आएगी? लजपाल आका ने फरमाया कि हया तो तब आएगी अगर किसी को होश होगा, जो कोई होश में आगा हो हया तो वो करेगा, वो होश में नहीं होंगे, अपने अपने पसीनों में डूबे होंगे, कोई घुटनों तक, कोई नाफ तक डूबा होगा, कोई गले तक डूबा होगा, तो अपनी अपनी पड़ी होगी। तो इसलिए रब ताला ने फरमाया इत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो, वो रब इतना मेहरबान है, इतना रहमान है। हजरत मूसा का जमाना है, हजरत मूसा अल्लाह को अर्ज कर लगे, या अल्लाह मैं तेरा कलीम हाँ, मैं तेरे नाल कलाम करने वाला, मैं तेरे नाल राज़ो न्याज़ दियां गल्लां करने वाला, मैं कभी खुशी का इजहार करना, कभी या अल्लाह गिला भी कर लेना, या अल्लाह तेरे नाल प्यार है, तेरा मेरे नाल प्यार है, मौला तू मेरा मौला, मैं तेरा बंदा, तू परवरदिगार, मैं तेरा नबी, मैं तेरा कलीम, या अल्लाह आज एक सवाल करना है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा बोल क्या कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बनी इसराइल में पूरी कौम सबसे जो बदतर बंदा है उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ सोने मूसा, मैं ते पर्दे रखन वाला वा, मैं तेनू क्यों दसा? मूसा बड़े लाडले पैगंबर, या ना नहीं नहीं, मैं देखना है मेरी जेड़ी कौम बनी इसराइल, मैं जानना वा हर गुनाह दे वेचे, जिनाकारी दे वेचे, बदकारी दे वेचे, धोखादही दे वेचे, सारे गुनाह जेड़े ने मेरी कौम कर दिए, लेकिन सब तो बदतर बंदा मैं देखना चाहता कि मेरी कौम का केड़ा बंदा है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जब सुबह हो जाए, इबादत से फारिग हो जाना और शहर से बाहर निकल जाना, अपने शहर के दरवाजे पर जो पहला बंदा मिलेगा वो तेरी कौम का, तेरी आल का, जो जो तेरी उम्मत है उसका सबसे बदतरीन, सबसे बदतर, सबसे बुरा, सबसे गुनाहगार, सबसे निकम्मा बंदा होगा, उसकी उसको तक लेना, उसको देख लेना। हजरत मूसा इबादत में अल्लाह अल्लाह की जरबे अपना इबादत मुकम्मल हुई, उधरों पौ फुट दिए और उधरों बड़े वेले का वक्त हो गया, हजरत मूसा ने अपना मुसल्ला छोड़िया, अपना मकान छोड़िया, चले गए शहर के बाहर की तरफ, देखते ने सन्नाटा है, ना कोई जानवर है, ना परिंदा है, ना कोई आवाज है, एक बंदा आ रहा है, एक दरवाजे शहर के दरवाजे तो आ रहा है, आप देखने लग पे हल्का हल्का नेरा छाया होया है, वो की है कि एक बंदा अपने छोटे जे बच्चे को कंधिया से उठा के आ रहा है, तो हजरत मूसा के करीब भी गुजर गया है, चला गया। हजरत मूसा ने उन्हें बुलाया नहीं, सिर्फ देख लिया कि ऐ बंदा जेड़ा है ये मेरी उम्मत का बदतरीन बंदा है, जेड़े अल्लाह पाक ने निशानदेही की। आप वापस आ गए, वापस आए ना, तो फिर एक सवाल उठा दिल दे विच, जिवें बच्चा नहीं सवाल करता कि अबू ये क्या है, बेटा ये टोकरी है, अब बच्चा ये नहीं कि 10 मिनट निकल जाए, अबा ये क्या है, ये मोबाइल है, अबा ये क्या, ये स्पीकर, बच्चों के ना बढ़ते जाते सवाल। इसी तरह हजरत मूसा भी अल्लाह के बहुत लाडले थे, वो सवाल मुकम्मल हुआ, अल्लाह के नबी के दिल में एक और सवाल ने जन्म लिया, अर्ज की, या अल्लाह जी मेरे मूसा, एक और अर्ज है, मूसा बताओ कौन सी अर्ज है? फरमाया कि अर्ज की, या अल्लाह सबसे बदतर बंदा दिखा दिया, अब सबसे नेकतरीन बंदा भी दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया कि शाम के वक्त निकलना, शाम के वक्त निकलना शहर से बाहर, उसी चौरस्ते में चले जाना, आखिरी बंदा जो तेरी उम्मत का शहर में शाम को दाखिल होगा, ऐ मूसा
वो तेरी उम्मत का नेक तरीन बंदा होगा, आला तरीन बंदा होगा, रब का मुकर्रम बंदा होगा, रब को चाहने वाला होगा, रब की खशियत से डरने वाला होगा, खशियत इलाही उसके दिल में होगी, उसको तक लेना। हजरत मूसा का दिन बड़ा मुश्किल से गुजरा, अल्लाह अल्लाह करते रहे, असर हुई अल्लाह अल्लाह करते रहे, मगरिब हुई अल्लाह अल्लाह किया, नमाज अदा की और शहर से बाहर जल्दी से निकल गए। उसी चौराहे पे जाते हैं, हजरत मूसा तक रहे हैं कि मेरी उम्मत का कितना खूबसूरत बंदा होगा जो मेरी उम्मत का सबसे पाकीजा बंदा है, सबसे नेक बंदा है, सबसे परहेजगार बंदा है, अल्लाह को चाहने वाला है, अल्लाह की बात मानने वाला बंदा है। ये दिल में लेकर हजरत मूसा उस चौक में चले गए और क्या देखते हैं, लोग गुजरते जा रहे हैं, लोग गुजरते जा रहे हैं, आखिरी बंदा आने का वक्त, इंतजार की घड़ियां, अब दिल भी धक धक कर रहा है। अरे उसका कितना नूरानी चेहरा होगा, उसका कितना ईमानी चेहरा होगा, उसका कितना रोब होगा, उसके चेहरे पर कितना दबदबा होगा। हजरत मूसा के दिल में ये बातें चल रही हैं। उधर शहर का दरवाजा बंद करने का वक्त आ रहा है, फिर क्या देखा कि एक बंदा जंगल की तरफ से आ रहा है, उसी तरह का अंधेरा है जिस तरह का सुबह देखा था, वो फजर का अंधेरा था, दिन चल रहा है, दिन गुरूब हो रहा है, अंधेरा छा रहा है। एक बंदा दूर से आता हुआ नजर आया, हजरत अपना मूसा ने अपनी पोजीशन दुरुस्त की कि मेरी उम्मत का नेक तरीन बंदा आ रहा है, मेरा उसे मुलाकात होने वाली है, मैं उसे ज़रूर बात करूंगा, खुदा की कसम जब वो बंदा करीब आता है तो एक बच्चा उसके भी कंधों पर बैठा हुआ है और वो करीब आया, अल्लाह के नबी ने महसूस किया कि इसने भी बच्चा उठाया हुआ है और साथ में उसके कुल्हाड़ी भी है। और जब वो करीब आया तो रब्बे जुलजलाल की कसम, वो वही बंदा था जो सुबह बदतरीन था, वही बंदा था, वही बच्चा है, वही कंधों पर बैठा हुआ है। हजरत उमर, हजरत मूसा उससे क्या पूछते, पांव के तले जमीन निकल गई कि ऐ मौला ये क्या माजरा है, ये क्या कहानी है, ये वही बंदा जो सुबह मैंने देखा था ये बदतरीन था, अब बेहतरीन कैसे हो गया, रब तआला से राबता हो गया, वो बंदे से को कुछ नहीं कहा, वो शहर में दाखिल हो गया। कहने लगे कि मूसा या नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया, तेनू अरशां ते रब ने बुलाया ए शान तेरे होर किन्ने पाया है, शान तेरे लिया होर किन्ने पाया है, होई रब नाल तेरी कलाम सोनिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया। हो छबड़ी च रह नहीं सकदे, चुप करके भी बह नहीं सकदे, होश अपनी च रह नहीं सकदे, चुप कर जो सारे जहानों का मालिक है, पालने वाला है, राजिक है, रिजक देने वाला है,
मौत अता करने वाला है, हयात अता करने वाला है। सारी तारीफें और इबादत भी उसी के लिए है। दुरूद शाफी यौम मशहूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज़दवा अलैहि सलातु व तस्लीम की बारगाह में पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और तमाम दोस्तों की जुमा की हाज़िरी को शर्फ़ इज़्ज़त अता फरमाए। ये अल्लाह का करम है कि वो हर जुमे अपने घर में हमें बुलाता है। चूँकि जुमा मुसलमानों की ईद का दिन है तो अल्लाह की शान के सदके जाएं कितनी ईदें हमें अदा करता है। उसी रब ने फरमाया कि इत्तकुल्लाह, मेरी जात से डरो। फिर क्या होगा, हम सुन इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी आलम बरज़ख में और आखिरत में मैदान माशर में सफ़र में हजर में बैठने में उठने में हर जगह पे हम सुरखरू हो जाएंगे। कब, जब हमारे दिल में खशियत इलाही आ जाएगी, उस ज़ात का खौफ दिल में आ जाएगा, उस ज़ात का रोब दबदबा और उसकी मौजूदगी हमारा दिल तस्लीम कर लेगा तो हम सुरखरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे गुनाह करना, हमारे गुनाह करना अल्लाह पर पूरी तरह यकीन ना होने के मुतरादिफ है। पूरी तरह यकीन होने के ना यकीन होने के मुतरादिफ है। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास बंदा हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या हजरत मैं गुनाह नहीं छोड़ सकता, गुनाह छूटते नहीं है मुझसे, मैं छोड़ नहीं सकता। तो आपने फरमाया कि तुम गुनाह कहाँ करते हो? कहने लगा मैं हर जगह करता हूँ। अल्लाह के नेक बंदे फरमाने लगे कि तू जमीन पर गुनाह करता है या आसमान पर गुनाह करता है? कहने लगा या हजरत मैं जमीन पर गुनाह करता हूँ। फिर बाबा जी थोड़ी देर खुश हुए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के बंदे, जब तुम्हारा दिल करे गुनाह करने को तो तुम जमीन से बाहर निकल जाया करो, जमीन से बाहर जाकर गुनाह किया करो। वो कहने लगा कि ये तो मुमकिन ही नहीं कि मैं जमीन से निकल जाऊँ, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं जमीन सर नहीं कर सकता। तो अल्लाह के उस नेक बंदे ने फरमाया कि फिर जिसकी ज़मीन पर रहते हो उसके गुनाह क्यों करते हो, उसकी बारगाह में गुनाह क्यों करते हो, उसकी बारगाह में गुनाह क्यों पेश करते हो? फिर फरमाया कि अच्छा ऐसा कर कि तू जब गुनाह करता है तो अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क छोड़ दिया कर। कहने लगा फिर मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा। आपने फरमाया कि अगर रिज़्क भी उसका खाता है जो गुनाहों से रोकता है तो फिर उसका रिज़्क छोड़ दे। कहने लगा कि या हज़रत ये भी नहीं हो सकता। फरमाया कि तू फिजा में जाकर गुनाह किया कर। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। तो फरमाया कि अगर कुछ नहीं हो सकता ना तो फिर तू गुनाह छोड़ दे, फिर तू गुनाह छोड़ दे। सोहबते साले तुरा साले गुनद, सोहबते ताले तुरा ताले गुनद। अच्छे बंदे की सोहबत संवार देती। बस वही लम्हा था कि उस अल्लाह के बंदे ने तौबा की कि मैं या हजरत मैं आपके रूबरू उस माल के बरहक की बारगाह में तौबा करता। तो फिर क्या था, उसकी दुनिया भी बदल गई, उसकी आखिरत भी संवर गई। क्यों? कि उसके दिल में खशियत इलाही पैदा हो गई। अल्लाह के वली ने ऐसी निगाह डाली कि उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हो गया। खौफ खुदा पैदा हो गया, इश्क मुस्तफ़ा पैदा हो गया। तो फिर वो अल्लाह का मुकर्रब बन गया। पहले मुसलमान था, फिर
फिर मोमन हुआ, फिर अल्लाह के बने की निगाह पड़ी तो वो फिर अल्लाह का मुकर्रम बन गया और या अल्लाह की सफ में उसका शुमार हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूलु मा सालिकीन, अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करो। और ये संगत नजबान करीम आका ने इरशाद फरमाया कि बंदा जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत करेगा, क़यामत के दिन रोज़े माशर उसका हशर भी उसी के साथ होगा। अब कोई शराबी बंदे से मोहब्बत करता है, उसके साथ यराना है, तो क़यामत वाले दिन भी, हालांकि ये शराब नहीं पीता, ये जुआ नहीं खेलता, ये खुदा न खासा गुनाह नहीं करता, सिर्फ उसकी सोबत है, संगत है, मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन तेरा हशर भी उसी के साथ हो, तेरा हशर हशर भी उसी के साथ हो। अगर किसी की दोस्ती डाकू से है, चोर से है, तो जब चोर पकड़ा जाता है तो इसका दोस्त भी पकड़ा जाता है, जब डाकू मारा जाता है तो उसका यार भी मारा जाता है। तो अगर हम संगत ही अल्लाह वालों की इख्तियार कर लें, संगत की अच्छे वालों की इख्तियार कर लें, संगत ही अल्लाह के कुरब वालों की इख्तियार कर लें, तो फिर हम दाता अली हजवेरी से प्यार करें तो हमारा हशर भी दाता अली हजवेरी के साथ। हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से वफादारी का बंधन बांध लें तो क़यामत के दिन मैदान हशर में हमारा दामन जिस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हमारे हाथ में दामन होगा, खुदा की कसम मैदान महशर में भी ऐसे, मैदान महशर में भी ऐसे ही होगा। आपने हदीस सुन रखी है कि क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब होने लगेगा, रोजे महशर बर्पा होगा, एक जन्नतियों की लाइन होगी, एक दोजखियों की लाइन होगी, जन्नती बहुत बड़े खूबसूरत होंगे और जहन्नमी स्याह रंग वाले होंगे। उन्होंने फरमाया कि एक बंदा जहन्नमियों की सफ से निकलेगा, एक बुजुर्ग का दामन पकड़ेगा, सलाम पेश करेगा, वो सलाम का जवाब देंगे और ये फरमाएगा कि या हजरत मुझे पहचाना नहीं, बाबा जी कहेंगे कि ऐ अल्लाह के बंदे मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, अर्ज करेगा कि मैंने आपको दुनिया में एक मरतबा वुजू करवाया था, एक मरतबा वुजू करवाया था। वो कहने लगे कि हाँ मुझे याद आ गया है, अब क्या चाहता है, अर्ज करेगा कि मुझे भी आप संगत से नतारा चाहिए, मुझे भी बाजू पकड़े और जन्नत में ले जाइए। और वो बाबा जी उसका दामन पकड़ेंगे, बाजू पकड़ेंगे और अपने साथ जंगल में जन्नत में ले जाएंगे। एक और आएगा, दूसरे बुजुर्ग को कहेगा बाबा जी सलामती हो आप पर, वो जवाब देंगे और अर्ज करेगा या हजरत मुझे पहचाना नहीं, आप कहेंगे कि अल्लाह के बंदे मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। वो कहेगा कि एक बार तो गर्मी का मौसम था, आप अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, अल्लाह की ज़र्बे दिल पर लगा रहे थे, तो क्या हुआ कि आपको प्यास की शिद्दत महसूस हुई, पानी नहीं था, मुझे पता चला कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, प्यास लगी हुई है, मैं गया और दूध से कटोरा भर के लेके आया, या हजरत मैंने आपको पानी पिलाया था और वो कटोरा आपने नोश फरमा के अल्लाह का शुक्र अदा किया था। बाबा जी मुस्कुराएंगे, कहेंगे कि हाँ हाँ वाकई तूने दुनिया में मेरे पानी पिलाया था, क्या चाहता है, कहेगा कि मैं जन्नत चाहता हूँ। बुजुर्ग हाथ पकड़ेंगे, जन्नत में ले जाएंगे, जिसके साथ दुनिया में वफा की होगी उसी के साथ अशर हो जाएगा। इसलिए ने फरमाया इत्तकुल्लाह, मेरी जात से डरो, संगत नेक लोगों की इख्तियार करो। ये नहीं फरमाया कि मेरी संगत इख्तियार करो, हम अल्लाह की संगत इख्तियार नहीं कर सकते, वो तो जिस्म से पाक है, अल्लाह पाक का जिस्म नहीं है, हाथों से पाक है, आंखों से पाक है, हालांकि समी भी है, बसीर भी है, सुनता भी है, जानता भी है, अलीम भी है, खबीर भी है, इल्म वाला भी है, खबर जानने वाला भी है, रहीम भी है, करीम भी है, लेकिन नजर किसी को नहीं आता, उसके हाथ भी नहीं, उसके पैर भी नहीं, वो है तो बंदा मोमिन के दिल में रहता है, पाक दिल में रहता है, और वो समाता दो जहां में नहीं, लेकिन इतने से दिल में कैसे रहता है,
वो जाने और बंदा मोमिन जाने। दिल में लटकाई है तस्वीरें यार, जब नजर थोड़ी सी झुकाई तो देख दी। ये अल्लाह वालों की बातें जो अल्लाह वाले ही जाने, क्योंकि उनकी तार, उनका रबत, उनका राबता, उनका वास्ता उस जात से हो जाता है जो सारों का परवरदिगार, सिद्दीक का भी परवरदिगार है, फारूक का भी परवरदिगार है। हजरत उमर का दौर है, ते आप दा रोब दबदबा जलाल बड़ी तौ वाली मुछ हजरत उमरे फरूक दी, आप दे हाथ दे विच हर वक्त कोड़ा होता सी। जब भी किसी को गुनाह करते देखते, ये नहीं कहते कि अदालत फरूकी सुबह लगेगी, तू मेरी अदालत में पेश होना फिर तुझे सजा दी जाएगी, नहीं, जहां गुनाहगार मिला वही सजा। अल्लाह अकबर। तो हुआ यूं कि एक शराबी आ रहा था, उसने अपनी चादर में, अपनी बुकल दे विच शराब लकोई हुई है, ते अगों टाकरा हो गया अल्लाह दे शेर दे नाल, मुसलमाना दे शेर दे नाल, रोब दे नाल ते दबदबे दे नाल सैयदना उमर फारूक आ रहे ने। तो शराबी था, शराब पी के आया था, शराब उसके पास भी मौजूद थी, तो छुपा नहीं जा सकता था। वो दिल ही दिल में डर गया, और डर में इतना गया कि उसने उसी लम्हे में अल्लाह से राबता कर ली। अल्लाह की बारगाह में उसने हजरत उमर फारूक को देखते ही देखते, उमर फारूक का देखते उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई, कहने लगा कि ए अल्लाह आज मुझे उमर से बचा ले, ए अल्लाह आज मुझे उमर के गजब से बचा ले, मैं तुझसे वादा करता हूं कि आइंदा शराब नहीं पीऊंगा, आइंदा शराब नहीं पीऊंगा। अच्छा, इतनी सी बात हुई कि हजरत उमर फारूक जाम जलाल वाला सहाबी रसूल हमारे बाद हजरत उमर फारूक करीब आ गए, और ये इसके जिस्म में कपकपी शुरू हो गई, कांपना शुरू हो गया, सारा जिस्म कांप रहा है, और हजरत उमर फारूक की आंख ऐसी थी जैसे शहीद शिकार को देखता है, और ये इतना कांपा और अल्लाह से तौबा कर गया था, और तौबा उसकी बारगाह में मंजूर हो चुकी थी। और फिर हजरत उमर फारूक की आंख फरमाया के बता तेरी चादर में क्या है, बता तेरी चादर में क्या है। इधर से दुर्रा भी एक्टिव कर लिया, दुर्रे को भी हरकत देने लगे, और फरमाया खोल अपनी चादर, क्या छुपा के रखा हुआ है। कहने लगा कि या हजरत दूध की बोतल है। एक रवायत में आता है, कहता है सिरके की बोतल है। हजरत उमर फारूक ने चादर खोल दे, इतना कहना था कि उसने चादर खोली, कांप रहा है और मुंह से दूध निकल गया। अल्लाह के जलाल की कसम कि जब उसने चादर उठाई, खुदा की कसम वो शराब नहीं, वो दूध बन चुका था। अल्लाह की खशियत, अल्लाह का डर, अल्लाह की जात से डर जाना, इतने वो ऐब और वो पर्दापोशी करता है, इतने ऐबों पे पर्दापोशी करता है कि उसने उसी लम्हे में शराब को दूध में बदल दिया। उसकी लज रह गई। हजरत उमर फारूक ने कहा कि चला जा, तू मेरे सामने से चला जा, क्योंकि वो भी साहबे नजर थे। मेरे लजबार आका ने फरमाया इत्ताकू बिफिरासतिल मुमिन, मोमन की फिरासत से बचो, या जुरूबी नूर इल्ला, वो अल्लाह दे नूर नाल तक आए। तो हजरत उमर फारूक जान गए थे के इसके चादर में शराब की बोतल है, उन्होंने कौन सा स्मेल लेनी थी, हमारे जजों की तरह नहीं। फिर फैसले भी मर्जी के, जहां से चार नोट आ गए फैसले भी अपनी मर्जी के, जहां से गरीब आए उसको रगड़ा दे दिया, नहीं
दीन है तो दीन मुहम्मदी है, अदालत है तो अदालत फलूकी है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर करम नवाजियां फरमाए, हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और हमारे जजों को भी हदायत अता फरमाए। आजकल के जो जस्टिस हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करेंगे हमारे मुल्क में अदल का इंसाफ आ जाए, अदल का निज़ाम आ जाए, वगरना ना हमारी हिस्ट्री रहेगी दास्तानों में, ना हमें कोई याद करेगा, हम मिट जाएंगे, मिट जाने की तरह हमारा निशान मिट जाएगा अगर हमने इंसाफ ना किया तो। लेकिन इधर से तो निशान मिटेगा, इधर से निशान नहीं मिट सकता। रब ताला के हबीब मेरे नजपाल ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है, एक इंसान के जिस्म का लोथड़ा है उस पर स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, उसको दिल कहते हैं, और जब बंदा तौबा करता है और कपड़े को जो दाग लग जाए तो पानी धोता है, दिल को दाग लग जाए तो तौबा का पानी धोता है। मेरे नजपाल आका ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान दे दिल एक जड़ा दिल है, जब गुनाह करता है ओदे उते एक स्याह नुक्ता लग जाता है, स्याह नुक्ता लग जाता है, तो जब रब ताला दी बारगाह विच तौबा करता है तो वह नुक्ता मिटा दिता जाता है। और जो बंदा लगातार गुनाह करता रहता है, नुक्ते स्याह नुक्ते बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, हत्ता के मेरे नजपाल ने इरशाद फरमाया ओदा दिल स्याह हो जाता है, ओदे रुतबे कम होने शुरू हो जाते हैं, ओदे जेड़े दर्जात ने कम होने शुरू हो जाएंगे, ते जे ओ तौबा नहीं करता खुदा ना खासा वो बंदा जे उस हालत दे विच ओदी मौत आ गई ते ओदा ठिकाना जहन्नुम बन जाएगा, जहन्नुम दा ईंधन बन जाएगा। इसीलिए फरमाया कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर जाना बंदा मोमन की निशानी है। और फिर बंदा मोमन हुजूम में हो या तन्हाई में हो, रब उसके साथ होता है। और जो बंदा मोमन नहीं होता, नाम निहाद मुसलमान होता है, वो तन्हाई में कहता है कि यहाँ कोई कौन देख रहा है, यहाँ तो मेरी वालिदा भी नहीं देख रही, यहाँ तो मेरे अब्बा जान भी नहीं देख रहे, भाई बहन अपने कमरों में है, मैं तो अकेला हूँ। ऐ दोस्त नहीं, तू अकेला नहीं, तेरे साथ करामन कातबीन भी मौजूद है, अर्श का रब भी तेरे साथ मौजूद है। ये तसव्वुर जब पैदा हो जाए दिल में, ये तसव्वुर पैदा हो जाए कि वो जात जो हमें नजर नहीं आती हर वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो फिर गुनाह नहीं कर सकता बंदा। ये हवा है ना, हवा हम ऑक्सीजन लेते हैं, किसी को कभी नजर आई है हवा? नजर ही नहीं आती, इधर मौजूद है, पंखा घूमता हुआ नजर आता है, हवा नजर नहीं आती। और ये हवा खत्म हो जाए ना तो हमारी एक लम्हे की जिंदगी भी अजीरन हो जाए। इसी तरह वो बिला तमसील, बिला किसी मिसाल के वो रब ताला नजर नहीं आता। अब कोई बंदा हवा का इनकार तो नहीं कर सकता कि नहीं जी मैं नहीं मानता हवा है, तो सारे बंदे कहेंगे कि तू ना माना हवा तो मौजूद है। मजोरिटी ये नहीं कह सकती कि यार ये बंदा नहीं माना, लिहाजा मान लो कि हवा नहीं है, नहीं। इसी तरह काफिर जो है वो अलल इलान कहते हैं कि अल्लाह मौजूद नहीं है, नाउज़ बिल्ला, कुफ्रिया अकीदा है। और मुसलमान कहते हैं कि कौन सा देख रहा है, जुबान से ना भी कहे, इससे यहां से धार ना भी हो, ये तो इसकी गवाही देता है कि कोई भी नहीं देख रहा। अरे कोई में अल्लाह ताला नहीं है, गिनती में नहीं आता, कोई में हम सारे हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमारे अजीज व अकरबा हैं, हमारे दोस्त हैं, जिसको हम कहते हैं कोई नहीं देख रहा, अल्लाह इनमें नहीं आता, ये करामन कातबीन इनमें नहीं आते, वो लिख रहे हैं जो भी तुम करते हो। आज हमारी वीडियो बन रही है और मैदान माशर में खबरों से उठाए जाएंगे तो वो मामला होगा कि लजपाल आका ने फरमाया कि जब मुर्दे कब्रों से उठाए जाएंगे तो नंगे जिस्म होंगे, कफन नहीं होगा जिस्मों पर, नंगे जिस्म होंगे, औरतें भी नंगी उठाई जाएंगी, मर्द भी नंगे उठाए जाएंगे, तन बिल्कुल नंगा होगा,
तो हमारी अम्मा जान ने फरमाया कि या रसूलल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ या रसूलल्लाह, क्या ऐसा होगा? नजबाल आका ने फरमाया कि बिल्कुल, कब्रों से कपड़ों के बगैर इंसान उठाए जाएंगे। तो नजबाल आका हमारी अम्मा जान ने फरमाया, ऐ सरताज, ऐ हबीबे किरदिगार, तो फिर हमें एक दूसरे से हया नहीं आएगी? लजपाल आका ने फरमाया कि हया तो तब आएगी अगर किसी को होश होगा, जो कोई होश में आगा हो हया तो वो करेगा, वो होश में नहीं होंगे, अपने अपने पसीनों में डूबे होंगे, कोई घुटनों तक, कोई नाफ तक डूबा होगा, कोई गले तक डूबा होगा, तो अपनी अपनी पड़ी होगी। तो इसलिए रब ताला ने फरमाया इत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो, वो रब इतना मेहरबान है, इतना रहमान है। हजरत मूसा का जमाना है, हजरत मूसा अल्लाह को अर्ज कर लगे, या अल्लाह मैं तेरा कलीम हाँ, मैं तेरे नाल कलाम करने वाला, मैं तेरे नाल राजो न्याज दियाँ गल्ला करने वाला, मैं कभी खुशी का इजहार करना, कभी या अल्लाह गिला भी कर लेना, या अल्लाह तेरे नाल प्यार है, तेरा मेरे नाल प्यार है, मौला तू मेरा मौला, मैं तेरा बंदा, तू परवरदिगार, मैं तेरा नबी, मैं तेरा कलीम, या अल्लाह आज एक सवाल करना है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा बोल क्या कहता है, या अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मेरी बनी इसराइल में पूरी कौम सबसे जो बदतर बंदा है उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ सोने मूसा, मैं ते पर्दे रखने वाला वा, मैं तेनू क्यों दसा, मूसा बड़े लाडले पैगंबर, या ना नहीं नहीं मैं देखना है मेरी जेड़ी कौम बनी इसराइल, मैं जानना वा हर गुनाह दे वेचे, जिनाकारी दे वेचे, बदकारी दे वेचे, धोखादही दे वेचे, सारे गुनाह जेड़े ने मेरी कौम कर दिए, लेकिन सब तो बदतर बंदा मैं देखना चाहता कि मेरी कौम का केड़ा बंदा है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा जब सुबह हो जाए, इबादत से फारिग हो जाना और शहर से बाहर निकल जाना, अपने शहर के दरवाजे पर जो पहला बंदा मिलेगा वो तेरी कौम का, तेरी आल का, जो जो तेरी उम्मत है उसका सबसे बदतरीन, सबसे बदतर, सबसे बुरा, सबसे गुनाहगार, सबसे निकम्मा बंदा होगा, उसकी उसको तक लेना, उसको देख लेना। हजरत मूसा इबादत में अल्लाह अल्लाह की जरबे अपना इबादत मुकम्मल हुई, उधरों पौ फुट दिए और उधरों बड़े वेले का वक्त हो गया, हजरत मूसा ने अपना मुसल्ला छोड़िया, अपना मकान छोड़िया, चले गए शहर के बाहर की तरफ, देखते ने सन्नाटा है, ना कोई जानवर है, ना परिंदा है, ना कोई आवाज है, एक बंदा आ रहा है, एक दरवाजे शहर के दरवाजे तो आ रहा है, आप देख लग पे हल्का हल्का नेरा छाया होया है, वो की है कि एक बंदा अपने छोटे जे बच्चे को कंधिया से उठा के आ रहा है, ते हजरत मूसा के करीब भी गुजर गया है, चला गया। हजरत मूसा ने उन्हें बुलाया नहीं, सिर्फ देख लिया कि ऐ बंदा जेड़ा है ये मेरी उम्मत दा बदतरीन बंदा है, जेड़े अल्लाह पाक ने निशानदेही की। आप वापस आ गए, वापस आए ना, तो फिर एक सवाल उठा दिल दे विच, जिवें बच्चा नहीं सवाल करता कि अबू ये क्या है, बेटा ये टोकरी है, अब बच्चा ये नहीं कि दस मिनट निकल जाए, अबा ये क्या है, ये मोबाइल है, अबा ये क्या, ये स्पीकर, बच्चों के ना बढ़ते जाते सवाल। इसी तरह हजरत मूसा भी अल्लाह के बहुत लाडले थे, वो सवाल मुकम्मल हुआ, अल्लाह के नबी के दिल में एक और सवाल ने जन्म लिया, अर्ज की, या अल्लाह जी मेरे मूसा एक और अर्ज है, मूसा बताओ कौन सी अर्ज है, फरमाया के अर्ज की, या अल्लाह सबसे बदतर बंदा दिखा दिया, अब सबसे नेकतरीन बंदा भी दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया कि शाम के वक्त निकलना, शाम के वक्त निकलना शहर से बाहर, उसी चौरस्ते में चले जाना, आखिरी बंदा जो तेरी उम्मत का शहर में शाम को दाखिल होगा, ऐ मूसा वो तेरी उम्मत का नेकतरीन बंदा होगा, आला तरीन बंदा होगा, रब का मुकर्रम बंदा होगा, रब को चाहने वाला होगा,
रब की खशियत से डरने वाला होगा, खशियत इलाही उसके दिल में होगी, उसको तक लेना। हजरत मूसा का दिन बड़ा मुश्किल से गुजरा, अल्लाह अल्लाह करते रहे, असर हुई अल्लाह अल्लाह करते रहे, मगरिब हुई अल्लाह अल्लाह किया, नमाज अदा की और शहर से बाहर जल्दी से निकल गए। उसी चौराहे पे जाते हैं, हजरत मूसा तक रहे हैं कि मेरी उम्मत का कितना खूबसूरत बंदा होगा जो मेरी उम्मत का सबसे पाकीजा बंदा है, सबसे नेक बंदा है, सबसे परहेजगार बंदा है, अल्लाह को चाहने वाला है, अल्लाह की बात मानने वाला बंदा है। ये दिल में लेकर हजरत मूसा उस चौक में चले गए और क्या देखते हैं, लोग गुजरते जा रहे हैं, लोग गुजरते जा रहे हैं, आखिरी बंदा आने का वक्त, इंतजार की घड़ियां, अब दिल भी धक धक कर रहा है। अरे उसका कितना नूरानी चेहरा होगा, उसका कितना ईमानी चेहरा होगा, उसका कितना रोब होगा, उसके चेहरे पर कितना दबदबा होगा। हजरत मूसा के दिल में ये बातें चल रही हैं। उधर शहर का दरवाजा बंद करने का वक्त आ रहा है, फिर क्या देखा कि एक बंदा जंगल की तरफ से आ रहा है, उसी तरह का अंधेरा है जिस तरह का सुबह देखा था, वो फजर का अंधेरा था, दिन चल रहा है, दिन गुरूब हो रहा है, अंधेरा छा रहा है। एक बंदा दूर से आता हुआ नजर आया, हजरत अपना मूसा ने अपनी पोजीशन दुरुस्त की कि मेरी उम्मत का नेक तरीन बंदा आ रहा है, मेरा उसे मुलाकात होने वाली है, मैं उसे ज़रूर बात करूंगा, खुदा की कसम। जब वो बंदा करीब आता है तो एक बच्चा उसके भी कांधों पर बैठा हुआ है और वो करीब आया, अल्लाह के नबी ने महसूस किया कि इसने भी बच्चा उठाया हुआ है और साथ में उसके कुल्हाड़ी भी है। और जब वो करीब आया तो रब्बे ज़ुल्जलाल की कसम, वो वही बंदा था जो सुबह बदतरीन था, वही बंदा था, वही बच्चा है, वही कांधों पर बैठा हुआ है। हजरत उमर, हजरत मूसा उससे क्या पूछते, पांव के तले जमीन निकल गई कि ऐ मौला ये क्या माजरा है, ये क्या कहानी है, ये वही बंदा जो सुबह मैंने देखा था ये बदतरीन था, अब बेहतरीन कैसे हो गया, रब ताला से राता हो गया, वो बंदे से को कुछ नहीं कहा, वो शहर में दाखिल हो गया। कहने लगे कि मूसा यार खूबसूरत भी होवे ते बदसूरत भी होवे, एक बंदा ये नहीं हो सकता कि अल्लाह का करीबी भी है और अल्लाह से दूर भी है, नहीं हो सकता, एक बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि नेक भी हो बाद भी हो। या अल्लाह ये क्या माजरा है, खुदा की कसम रब्बे ज़ुल्जलाल ने फरमाया कि ए मूसा मैं रऊफुर रहीम हूँ, मैं परवरदिगारे आलम हूँ, मेरी वो जात है जो अपने बंदे से माओ से भी ज्यादा प्यार करती है। ये जो बंदा जब सुबह गया था और ये गुनाहगार बंदा था, या ना फिर बेहतरीन कैसे बना, सारी उम्मत के आगे कैसे निकल गया। ऐ मूसा बात सुन, ये कुल्हाड़ी लेके अपने छोटे बच्चे को जंगल में ले गया, इसका काम है लकड़ियां काटना, ये लकड़ियां काटने के लिए गया, बच्चे अपने साथ बिठा दिया, लकड़ियां काटता रहा। अब वही सिचुएशन आई, बच्चे सवाल करते हैं कि बाबा जान ये क्या है, ये लकड़ियां इतनी कहाँ है। कहने लगे कि बच्चा ये जवाब, ये अल्लाह पाक सुना रहा है उस बंदे की कहानी हजरत मूसा को, और रब अर्श का रब सुना रहा है। अच्छा हो गया, बच्चे ने कहा अब्बा जी है की वे, पर मैं कह लगा कि बेटा जंगल है, अब्बा जी ये तो बहुत बड़ा जंगल, जहां तक निगाह जाती है दरख्त ही दरख्त है, दरख्त ही दरख्त है, अब्बा जी इससे बड़ी भी कोई चीज मौजूद है। तो ये बंदा जो गुनाहगार था कहने लगा कि बेटा इससे बड़ी जमीन है जिस पर ये जंगल है, जिस पर हम बैठे हुए हैं, ये जो मट्टी है जमीन है बेटा ये जंगल से बहुत बड़ी है। कहने कहा कि पहाड़ बड़े हैं, पहाड़ से भी बड़ी चीज है, जमीन बड़ी है। कहने लगा अब्बा जी वही बच्चों वाली याद है जो बच्चे सवाल करने से बाज नहीं आते, ये सवाल का जवाब है, अब्बा जी जमीन से भी कोई बड़ी चीज है। फरमाया कि हाँ जमीन से भी एक बड़ी चीज है जिसे हम आसमान कहते हैं, ये जो नजर आती है ये आसमान है, ये जमीन से भी बड़ा है। कहने लगा कि अबू जी ये आसमान से भी कोई बड़ी चीज है। कहने लगा कि हाँ आसमान से भी कोई बड़ी चीज है। तो बच्चा सवाल करता जा रहा है, ये गुनाहगार जवाब देता जा रहा है, सारे सवाल कर लिए। कहने लगा कि आसमान से भी कोई बड़ी चीज है। कहने लगा कि हाँ पुत्र वो
भी एक शय है आजी वो केड़ी शय ते नाल इस बंदे दे आंसू टपे अखा चो अथरू आए ते कप कपी नाल कहन लगा कि पुत्रा वो मेरे गुनाह ने जड़े आसमान तो में ज्यादा ने। फिर रुख तब्दील हुआ, ये बच्चा सवाल पे सवाल करता जा रहा, ये जवाब देता जा रहा है, कहने लगा कि पुत्रा मेरे गुनाह ने जड़े जमीन तो भी बड़े ने, आसमान तो भी बड़े ने, कायनात तो भी बड़े ने। फिर बच्चा खामोश नहीं हुआ, कहने लगा कि अबू जी क्या आप यहां से भी कोई बड़ी चीज है। फिर आहें निकली बाबा की, इस गुनाहगार की आहें निकली, हजारों कतार रोने लगा, कहने लगा कि पुत्र क्या सवाल कर जाई, की सवाल है तेरा, मैं समझता सी कि मेरे गुनाह तो बड़ी कोई चीज नहीं, लेकिन तूने जब सवाल किया है तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। एक मेरा मालिक है, उसको अल्लाह कहते हैं, उसकी रहमत मेरे गुनाहों से भी बड़ी है, उसकी रहमत मेरे गुनाहों से भी बड़ी है। ये कहना था, ये लफ्ज उसके मुंह में थे कि ए मूसा मेरी रहमत को जोश आ गया, मेरी रहमत को जोश आ गया, एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे तेज निकाला। कितने वाकयात पेश आते हैं, बच्चे बच्चियां गुनाह कर लेते हैं, अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए, अल्लाह की रहमत का साया बच्चों बच्चों पर फरमाए, बच्चे बच्चियों पर रहमत फरमाए, उनकी शैतान से हिफाजत फरमाए, खुदा ना खास्ता ऐसी गलती कर ले तो उनसे नरमी से पेश आया जाए। हर बंदा गुनाह करता है, हर बच्चा गुनाह करता है, कोई किसी सूरत में गुनाह करता है, कोई नमाज ना पढ़ने का गुनाह करता है, कोई दुरूद ना पढ़ने का गुनाह करता है, कोई अल्लाह ना करने का गुनाह करता है, कोई आंखों से गुनाह करता है, सारे गुनाह। लेकिन ये माँ प्यो जब देखते हैं तो कहते हैं तू हमारी बच्ची नहीं है, निकल जा जहां से। लेकिन एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे जो देवे देश निकाला, छल आई और इसके सारे गुनाह बहा के ले गई। वो रब की तारीफ है जो एक लम्हे में, चंद लम्हों में बद से बेहतरीन बना सकता है, बुरे से अच्छा बना सकता है। लेकिन जब खशियत दिल में आती है, इत्तकुल्ला हजरत मूसा के दौर में कहत पड़ गया, बारिश ना हुई, जानवर मरने लगे और लोगों ने अर्ज की कि आप अल्लाह के कलीम हैं, आप हमारी अर्जी पेश करें, उस बारगाह में हम तौबा करते हैं, हमारी तौबा अगर कबूल हो जाए तो अर्जी पेश करें कि या बारिश नाजल फरमा दे। हजरत मूसा ने अपनी कौम नू लिया, मैदान चले गए और फरमाया कि धूप में हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज इस्तस्का पढ़ेंगे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, तौबा करेंगे, तो फिर अल्लाह पाक हो सकता है रहमत कर दे। नमाजें हो गई, नवाफल हो गए, दुआएं हो गई, रो के आही भर रहे हैं, कांप रहे हैं लोग, लेकिन बारिश की एक बूंद क्या, बादल का एक टुकड़ा भी जाहिर ना हुआ। हजरत मूसा रो पड़े, कहने लगे कि ए रब क्यों तू हमसे इतना नाराज हो गया, जिस तरह हमसे नाराज हो गया, हमें जरूरत नहीं बारिशें आ रही हैं, गंदम गिर के दाना स्याह हो रहा है, ये हमारे गंदम स्याह होना हमारी स्याह अमालियों का नतीजा है। जब हाई कोर्ट गलत फैसला करेगी तो अवाम पर अजाब आएगा, जब पार्लियामेंट में जुल्म होगा तो अवाम पर जुल्म होगा, जुल्म नहीं आजमाइश की सूरत में रब गलों की बारिश करेगा। तो फिर क्या है कि लजपाल ने फरमाया कि जब स्याह नुकता लगता है ना तो तौबा दोती है,
तौबा का पानी धोता है, वगरना वो जो 70 माओं से प्यार करने वाली जात है ना, वो बटन अगर नीचे कर सकती है तो बटन ता भी कर सकती है। सारे इख्तियारात ओदे कोल ने। मेरे मूसा ने फरमाया या अल्लाह केड़ी खता हो गई, मुख्तसर करता हूँ वक्त कलील है। अल्लाह ने फरमाया एक बंदे नूं कट दो, एक बंदे नूं कट दो, नहायत गुनाहगार है, पापी है, बदकार है, ओनू ऐलान कर दे। हज़रत मूसा या अल्लाह इधर कौन सा साउंड सिस्टम है, हजारों का मजमा है। अल्लाह ने फरमाया हमारा काम है तेरी आवाज़ पहुँचाना, बुलंद करना। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया एक ऐसा बंदा है जो रब का नाफरमान है, रब के रोजे नहीं रखता, झूठ बोलता है, गीबत करता है, बदकारी करता है, वो निकल जाए, बारिश अभी आ जाएगी। मुज़ाकरात हो चुके हैं, मामला तय हो चुके हैं, लेकिन क्या हुआ कि वो कोई बंदा ना निकला, वो जो बंदा था, क्योंकि हर बंदे को अपने गुनाह का पता होता है, जो भी गुनाह गिनवाए थे वो उसमें थे। तो कहने लगा कि याद आ, वही हजरत उमर वाला मामला पेश आ गया, उसने राबता उसी लम्हे में जोड़ लिया। कहने लगा याद आ, मन्या बदकार हूं, मन्या गुनाहगार हूं, मन्या शाहकार हूं, लेकिन मैं इन मजमे च मौला निकलिया ते मौला करीम मेरा तो जिंदा ही मर जाना बेहतर है, ते मौला मैं तेरी जात नाल वादा करना, चुप करके तू मैनू माफ कर दे, आइंदा मैं तेरी एक भी हुक्म अदूली नहीं करा। ये उसके जबान में अल्फाज थे कि छमा छम बारिश, इतनी बारिश हुई कि लोग अपनी जाने बचाने के लिए घरों को भाग पड़े, लोग दौड़ गए। हजरत मूसा का रास्ता हुआ, या अल्लाह बंदा निकलिया भी नहीं, जेदी वजह तो बारिश नहीं सी आ रही, बारिश भी हो गई है, एक कोई होर मजाकरा चल पे। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, मेरी उससे बात हो गई है, वो एक ऐसा बंदा जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, उसी की वजह से बारिश हो गई है। हजरत मूसा फिर या अल्लाह मैनू बंदा था, मैं बंदा तकना है, क्यों केड़ा बंदा है जेड़ा पहले गुनाहगार सी ते इस वेले वो तेरा मुकर्रम है, एक लम्हा पहले वो बदबख्त सी, दूसरे लम्हे च तेरा मुकर्रम है, या अल्लाह मैं तकना चाहना, मैं ज़ियारत करना चाहना। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, मैं एक बंदे से उसकी माँ से भी कई गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसने मुझे राज में रखा है, राज में रखने को कहा है, ऐ मूसा 70 साल से वो नाफरमानी कर रहा है, मैंने अया नहीं किया, अब जब नेक हो गया तो अब भी मैं अया नहीं करूँगा। इत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो और संगत इख्तियार करो अच्छे लोगों की, फिर क्या होगा कि दामन मुस्तफ़ा से जो निपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो। कौन पूछता था बिलाल को, कोई नहीं जानता था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। वो हबशा का मार खाने वाला काले रंग का हबशी, फिर जब दामन मुस्तफ़ा से निपटा तो उसके कदम ऊपर है खाना काबा की छत नीचे है। कि मोहम्मद से वफा तूने, हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। अल्लाह पाक सब मंजूर फरमाए, गाहे गाहे तौबा करते रहा करें अपने गुनाहों की, ना जाने कब ये रूह कब से अंसरी से परवाज कर जाए। मोहलत मिले ना मिले, अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल।